सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कल कि ये जो मैच है पूरी तरह से आरसीबी के खेमे में जाने वाली है, तो वैसा ही होने वाला था। बस होते होते रह गया, अगर ऋचा घोष रन आउट ना होती तो वो मैच जो है पूरी तरह से आरसीबी के खेमे में था, आरसीबी के हाथ में था, ठीक है। और स्मृति मंधाना ने अगर 10 रन का भी स्कोर किया हुआ रहता तो वो जो है पूरी तरह से आरसीबी के हाथ में थी कल की मैच। मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट रह रही है बीते कुछ दिनों से, ठीक है। और हमारे जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन हैं, और यहाँ पे जो आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिलता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि आपको ऋचा घोष को कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है, जेमिमा रॉड्रिगस को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है, जीवारेहम को आप बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, बिल्कुल बना बनाया हुआ टीम मिलता है आपको यहाँ पे। आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना है जब लाइनअप होती है तब, और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो कल की मैच की बात करें तो आरसीबी की जो है पूरी तरह से अपने खेमे में नहीं ले जा पाई, क्योंकि आपने देखा कि ऋचा घोष ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, आरसीबी को जिताने के लिए एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, ठीक है। लेकिन वहीं पे स्मृति मंधाना ने क्या किया कि 9 रन, सिर्फ 9 रन बना के आउट हो गई। वो काफी मतलब दुखद बात है, लेकिन कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मैच। चलो अगला मैच देखते हैं जिसके साथ होने जा रही है, कौन मैच विन करने वाला है, ये मैच कौन लेके जाने वाला है, ये सारी प्रेडिक्शन आइए करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं ये मैच किसके किसके बीच होने जा रही है। तो ये मैच गुजरात और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी वॉरियर्स के बीच ये मैच होने जा रही है, जो कि 18th मैच है, 11th मार्च 2024 को ये मैच होने जा रही है, 7:30 PM में ये मैच होगी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा और एक बना बनाया हुआ टीम, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री टीम, ठीक है, फ्री टीम मिल जाएंगे, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड सारे अपडेट्स, ठीक है। और आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्या करना है, @IndianYouTuberDeepakJM अगर आप सर्च करते हैं तो इसे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में टीम दी जाती है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल डालिएगा और जैसा लिखा हुआ वैसे आपको सर्च करना है, सर्च करके भी आप जा सकते हैं, या फिर आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो लिंक है, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ये हमारा जो है डीपी है, इस तरह के डीपी आपको कई सारे चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वो सारी फेक है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिंक से जाएं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है और बेस्ट वे वही है, ठीक है। लिंक से जाना है आपको और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है, जहाँ पे आपको 17 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर हमारे दिखेंगे, ठीक है, 17K के आसपास आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, जो कि हमारा जो है ओरिजिनल चैनल है। हमारे नाम से कई सारे फेक चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, उन सभी चीज़ों से सावधान रहना है, हम कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स, तो वेन्यू स्टेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रही है, जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, यहाँ की पिच जो है बैटिंग है और बैटिंग को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है ये पिच, ठीक है। और यहाँ पे स्पिनर्स बॉलर का काफ़ी बोलबाला रहता है, आपने कल भी देखा होगा श्रियंका पाटिल ने जो है 4 विकेट निकाले हैं, ठीक है। तो बॉलर से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट देने वाला है। अब टोटल मैच की बात करें तो यहाँ पे 5 मैच प्ले हुए हैं, जिसमें से 5 के 5 जो है बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने विन करके ले गए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 0 मैच विन करे हैं और टोटल टाई जो है यहाँ पे 0 रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 167 के आसपास जो है आराम से रन बन जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 231 4 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 66 पे 10 विकेट गए हैं, ठीक है, लास्ट लोवेस्ट स्कोर, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोरिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, 150 के नीचे जो है यहाँ पे 0 टाइम रन बने हैं, और 150 और 169 के बीच आप देख सकते हैं 1 टाइम रन बने हैं, और 170 और 189 के बीच जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं
फोर टाइम रन बने हैं और यहाँ पे 190 के एवब जो है यहाँ पे जीरो टाइम रन बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है सबसे ज़्यादा रन बन रहा है 170 और 189 के आसपास में। तो हम यहाँ पे एक स्कोर लेके चल सकते हैं एवरेज में कि 167+ जो है आराम से यहाँ पे इस पिच पे रन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रीवियस इनिंग स्कोर की। तो प्रीवियस इनिंग स्कोर देखें, फर्स्ट इनिंग स्कोर का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 144 रहा है एवरेज रन। ठीक है, और एवरेज विकेट जो है 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो 119.79 का रहा है। सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रन जो है 135 है, और यहाँ पे एवरेज विकेट की बात करें तो एवरेज विकेट जो है 6 है, और एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो 124.01 का रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर जो है कुछ इस तरह से रहने वाला हैज वेदर रहेगा, थोड़ी सी क्लाउड आपको यहाँ पे नज़र आएगी कुछ परसेंटेज में, जैसे 78% आपको यहाँ पे क्लाउड नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है 21.0 डिग्री सेल्सियस क्लाउड यहाँ पे को देखने को मिलेगा, और रेन परसेंटेज जो 0 है यहाँ पे, कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। और ये मैच आपको भी पता है कि दिल्ली में होने जा रही है 11 मार्च 2024 को। ठीक है, और विंड स्पीड जो है हवा की स्पीड यहाँ पे 4.60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि गुजरात से खेले जाने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बैथ मुने, लॉरा उलवर्दा, पी लिचफील्ड, और यहाँ पे ए गार्डनर, डी हेमलता, बी फुलमणि, केब्रेश और स्नेह राणा, तनुजा कानवर, और यहाँ पे मेघना सिंह, और यहाँ पे शबनम शकील। ठीक है, तो इतने सारे प्लेयर आपको गुजरात से खेलते हुए आज नज़र आ सकते हैं, जिसमें से आपके लिए जो बेस्ट खेलेंगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट देने वाले हैं, वो आपके लिए हो जाएंगे यहाँ पे एल उलवर्दत को आप CVC में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है डी हेमलता को भी आप CVC में ट्राई करेंगे आज, जो कि आपके लिए बेस्ट खेल के दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पी लिचफील्ड और बैथ मुने, इनको जो है अपनी टीम में जरूर से जरूर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए ना बनाए टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, ए गार्डनर को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो बैथ मुने नज़र आ रहे हैं, इसको आप CVC में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट आपका जो है CVC के लिए ये रहेंगे तीनों प्लेयर। और यहाँ पे जो है तनुजा कानवर, मेघना सिंह और यहाँ पे शबनम शकील आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से आप यहाँ पे स्नेह राणा और शबनम शकील को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, CVC बनाए ना बनाए लेकिन अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक को ड्रॉप करते हैं तो के ब्रेश के साथ जाएंगे और यहाँ पे इसको जो है CVC ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। डी हेमलता को आप आज वाले टीम में जरूर से जरूर CVC ट्राई करें, ये आपको अच्छे से खेल के अच्छा और परफॉर्म करके आज भी दे सकती हैं, पिछले मैच में तो काफ़ी अच्छा करी ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोबेबल प्लेइंग 11 यूपी वॉरियर का, जो भी आज खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजा हेली, KP नेमकरे, तालिया मैकग्रथ, और यहाँ पे ग्रेस हैरिस, एस शेरावत, दीप्ति शर्मा, जी सुल्ताना, और यहाँ पे PN खेमनर, साइमा ठाकुर, और यहाँ पे एस एक्लेस्टन और आर गायकवाड़। तो इतने सारे प्लेयर आपको यूपी वॉरियर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं आज। ठीक है, तो इनमें से बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजा हेली को आप अपने टीम में रख लेंगे। ठीक है, और CVC भी आप ट्राई कर सकते हैं इनको। ठीक है, या फिर आप इसे जो है CVC बनाए ना बनाए अपनी टीम में रख लेंगे। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा तालिया मैकग्रथ, तो इसको आप आज वाले टीम में CVC ट्राई कर लेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उससे भी बेस्ट रहेगा आप ग्रेस हैरिस को CVC बनाएं, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही आपको यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाली है। तो ग्रेस हैरिस को आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना लेंगे, और साथ में दीप्ति शर्मा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे। ठीक है, पिछले मैच में आपने देखा होगा कि दीप्ति शर्मा ने भी 4 विकेट निकाले हैं और स्कोर भी अच्छा करा है इसने। ठीक है, तो इनको आप अपने टीम में रख लेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे बॉलर की, तो बॉलर जो है यहाँ पे एस एक्लेस्टन और साइमा ठाकुर को आप ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। PN खेमनार को भी रख लेंगे, अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी को ड्रॉप करना तो ड्रॉप करके आप PN खेमनार के साथ जा सकते हैं। और राजेश्वरी गायकवाड़ को जो है आप अपने टीम में जो है रिस्क ले सकते हैं, अगर राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी टीम में, रिस्क ले सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरऑल टीम कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों के बीच कितने कितने मैचेस हुए हैं, किसने कितने विन करे। ठीक है तो यहाँ पे टोटल मैचेस प्ले हुए हैं गुजरात ने 10 मैचेस खेले, यूपी ने भी 10 मैचेस खेले। और यहाँ पे टोटल मैचेस विनिंग की बात करें तो गुजरात ने 2 मैचेस विन करे हैं, यूपी ने भी 4 मैचेस विन करे हैं। ठीक है स्कोर देखें तो एवरेज स्कोर जो है यहाँ पे गुजरात का रहा है 157 और यहाँ पे यूपी वॉरियर का रहा है 151। ठीक है और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे रहा है 199 गुजरात का और 5 विकेट के नुकसान पे, और 198 रहा है 3 विकेट के नुकसान पे यूपी वॉरियर का। और लोवेस्ट स्कोर देखें तो लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 110 है 2 विकेट के नुकसान पे, ठीक है गुजरात का, और यहाँ पे 110 है 10 विकेट के नुकसान पे यूपी वॉरियर का। यहाँ पे विकेट आप देख सकते हैं काफी कम गिर रहा है और स्कोर लोवेस्ट स्कोर में, ठीक है यहाँ पे 110 और 110 दोनों का ही है, और यहाँ पे इन 10 विकेट गिरे हैं इसके यूपी वॉरियर के, तब जाके 110 लोवेस्ट स्कोर है, और इसके 2 विकेट गिरे हैं और 110 है। तो गुजरात जो है, गुजरात का पलड़ा जो है काफ़ी भारी है, तो गुजरात ये मैच जो है जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली है, चलिए आगे चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी ने जो है 4 मैचेस विन करे हैं और यहाँ पे 2 मैचेस जो है गुजरात ने विन करे हैं। आगे चल के आपको बताते हैं किसने आज मैच विन करना है और किसके खेमे में आज ये वाली मैच जाने वाली है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप बैटर और टॉप बॉलर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप बैटर जो है आज आपको ग्रेस हैरिस यूपी वॉरियर्स है, ऑलराउंडर है, 7 मैचेस खेले हैं और 187 का स्कोर इन्होंने करा है। ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे दीप्ति शर्मा की, तो दीप्ति शर्मा जो है अच्छे प्लेयर हैं, आपने देखा ही होगा, तो टॉप बैटर हैं यूपी वॉरियर्स है, ऑलराउंडर हैं, यहाँ पे इन्होंने 7 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 207 का स्कोर करा है। ठीक है अब बात करते हैं बैथ मुने का, तो बैथ मुने गुजरात वुमेन से हैं, विकेट कीपर हैं, 6 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे इन्होंने 211 का स्कोर करा है। ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप बॉलर की, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टी कानवर। टी कानवर को आप अपने टीम में जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं इसको, ठीक है अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो। ये जो है गुजरात वुमेन से बॉलर हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 8 विकेट निकाले हैं। ठीक है और यहाँ पे एस क्लेस्टन की बात करें, जो कि यूपी वॉरियर वुमेन से बॉलर हैं और 5 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट निकाले हैं, तो इसको तो आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना ही लीजिएगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी कम मैच खेला है, देख सकते हैं आप 5 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं, उसने 6 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, तो लगभग एवरेज जो है एक ही है, तो उनको टी कानवर के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे बात करते हैं दीप्ति शर्मा की, जो कि ऑलराउंडर है, आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी वॉरियर का, और 7 मैचेस खेले हैं, 8 विकेट निकाले, पिछले मैच में 4 विकेट निकाले हैं अकेले दीप्ति शर्मा ने और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कराया है इन्होंने, तो इसको आप अपने टीम में CVC तो आज ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है आज ये आपको काफ़ी अच्छा करके देने वाली है, इसको आप अपने टीम में कैप्टन तो जरूर रखिएगा, एक टीम में अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है तो कुछ इस तरह से है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस, तो टोटल मैचेस प्ले हुए हैं 3, जिसमें से गुजरात ने जो है यहाँ पे 0 मैचेस विन करे और 3 मैचेस जो है यहाँ पे यूपी वॉरियर ने विन करे। ठीक है अब बात करते हैं गुजरात वुमेन्स की रिसेंट मैचेस की, तो इन्होंने 3 मैचेस लगातार लूज करे, 1 विन करा है, फिर रिसेंट मैच जो है लूज करा है। ठीक है और बात करते हैं यहाँ पे यूपी वॉरियर की, तो 2 मैचेस विन करे, फिर 2 लूज करे हैं और रिसेंट मैच जो है इन्होंने विन करा है। तो आज का ये मैच जो है, ये जो है यूपी वॉरियर लूज करने वाली है और ये गुजरात वुमेन्स विन करने वाली है। ठीक है गुजरात की और ये मैच जाने वाला है, गुजरात ये मैच विन करके आज जाने वाला है। ठीक है तो आज जो है करो या मरो की स्थिति है गुजरात के लिए, अगर गुजरात 3 मैचेस लगातार विन नहीं करता, पिछला मैच तो विन करा ही है, अगर ये वाला मैच भी नहीं विन करता है तो ये बाहर हो जाएंगी, और आगे का भी एक मैच विन नहीं करता है तो ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी, इसीलिए करो या मरो की स्थिति है, तो गुजरात जो है ये मैच विन करेगा ही करेगा, वो काफ़ी दमखम लगा देगा पूरी तरह से, तो गुजरात की ओर जा सकते हैं, और गुजरात का वैसे भी पलड़ा भारी है, उसका जो है काफ़ी अच्छा खासा है, तो गुजरात से ज़्यादा प्लेयर आप सिलेक्ट करें अपनी टीमों में ताकि आपके लिए जो है बेस्ट रहे, आपका टीम जो है यूनिक बने और आप SLGL विन कर पाए, क्योंकि गुजरात जो है ये मैच लेके जाने वाला है, मेरे ख्याल से मेरी प्रेडिक्शन यही कहती है कि गुजरात आज की मैच जो है लेके जाने वाला है। ठीक है अब बात करते हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर की, तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा टी कानवर, दीप्ति शर्मा और यहाँ पे राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह और यहाँ पे स्नेह राणा, तो इनमें से आप दीप्ति शर्मा और
राजेश्वरी कैक्वाट, मेघना सिंह, इनको जो है अपने टीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा, टिकानवर और स्नेह राणा को। ये आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, ये आपको जीएल, एसएल और मिनी जीएल सारे के सारे जो है ये विन कराएंगे ये प्लेयर, ठीक है। तो इसको आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे आपका हो जाता है एल उलवरदत्त, ग्रेस हैरिस, के ब्रेश और यहाँ पे टी मैकग्राथ। पिछले मैच में आपने देखा होगा ग्रेस हैरिस ने काफ़ी अच्छा करा, और यहाँ पे एल उलवरदत्त भी हैं जो कि आपके रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है, इन्होंने एवरेज खेला, उतना कोई खास कर नहीं पाया, तो आज जो है एल उलवरदत्त को आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा करके आपको हो सकता है आज जो है जीएल विन करा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो है ये जो है रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है रिस्क वाले, तो अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप जो है जीएल विन कर सकते हैं, तो इनके साथ आप रिस्क लें, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए इनको, रिस्क वाले कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं, आपने जितना इन्वेस्ट करा है वो आपको लूज नहीं करना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा ए गार्डनर और एलाइजा हेली, मेघना सिंह और सोफी एक्लेस्टन जो है आपके लिए बेस्ट है, इनको अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आपने जितना इन्वेस्ट करा है वो आपके वापस आ जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा आप विन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जीएल विन करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना होगा, ठीक है, और रिस्क वाले कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाने होंगे। आप इस तरह से भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जैसे आपने एक रिस्क से उठा लिया और एक जो है सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन से कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में बना लिया, तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी यूनिक आपका बन जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन, जिससे जो है आप जीएल, एसएल, मिनी जीएल विन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, तो चलिए सिर्फ फिक्स कॉमन प्लेयर देख लेते हैं। पील स्फील्ड, कैथरीन ब्रेश और यहाँ पे स्नेह राणा, मैग्लानिन और यहाँ पे राजेश्वरी गायकवाड़ और यहाँ पे डी हेमलता। पिछले मैच में आपने देखा होगा डी हेमलता ने काफ़ी अच्छा करा है, काफ़ी अच्छा स्कोर करा, जिससे जो है ये कैप्टन में रही और कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेली है, तो इसको जो है अपने टीम में तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, एक टीम में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे दीप्ति शर्मा के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, और इनको जो है आप अपने टीम में फिक्स कर लेंगे। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं, तो अगर आप 20 टीम बना रहे हैं तो भी आप इनको जो है अपने टीम में फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो फिक्स प्लेयर है ना, ये आपको एवरेज में खेल के देंगे, और ये जो है डीटी प्लेयर में तो ज़रूर रहेंगे, तो इसको जो है अपने टीम में ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है डीटी प्लेयर में रहते हैं, तो इनको जो है आप अपने टीम में सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जीएल रोटेटिंग प्लेयर की, तो जीएल रोटेटिंग प्लेयर वो है जिसको आपको जीएल में रोटेट करना है। जैसे आपने फर्स्ट टीम में इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेकंड टीम में आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को ड्रॉप करके, तो इस तरह से आपको रोटेट करना है जीएल टीमों में, ठीक है। तो वो प्लेयर आपके हो जाते हैं केपी नेपग्रेक, कैथरीन ब्रेश, पील स्फील्ड और साइमा ठाकुर और तालिया मैकग्राथ और यहाँ पे शबनम शकील, ठीक है। तो ये जो प्लेयर हैं इसको आपको जीएल में रोटेट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेस्ट फॉर स्मॉल लीग। स्मॉल लीग में हमें किसे सिलेक्ट करें ताकि जो है हम एसएल जो है स्मॉल लीग आराम से विन कर सके, तो वो आपके हो जाते हैं गुजरात से एसले गार्डनर और बेथ मुने, ठीक है। तो इनको जो है आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेंगे गुजरात से। यूपी वॉरियर की बात करें तो यूपी वॉरियर से दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जीएल में ग्रैंड लीग में किसे सिलेक्ट करें जो कि आप यहाँ पे जीएल विन कर सके, ठीक है। तो जीएल विन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ पे जीएल विन कर सकते हैं, अगर रिस्क नहीं लेते तो जीएल विन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे शबनम शकील और भारती फुलमणि के साथ आप रिस्क ले सकते हैं गुजरात वुमेन से, और यहाँ पे यूपी वॉरियर वुमेन से आप यहाँ पे गौहर सुल्तानो और तालिया मैकग्राथ के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है आपके रिस्की प्लेयर जिसको आपको पिक करना है अपने टीमों में, ठीक है। ये 4 प्लेयर हो जाते हैं। अब डेथ ओवर बॉलर की बात करें जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विकेट लेके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बन सकते हैं, ये अगर 3 विकेट 2 विकेट निकालते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट बन जाते हैं, और यहाँ से जो है आपको पॉइंट ज़्यादा आपके बनेंगे। तो अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया तो आप जो है जीएल एसएल सब विन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात वुमेन की बात करें तो मेघना सिंह और यहाँ पे यूपी वॉरियर की बात करें तो सोफी क्लेस्टन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर आपके हो जाते हैं यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर के प्लेयर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक बना बनाया हुआ टीम। इस टीम में मिलेंगे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए करना आपको बस इतना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे
टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल है उसको आपको फॉलो कर लेना है, बस ये सारी रूल आपको फॉलो करना है। और हमारी जो वीडियो है ये वाली, इसके नीचे आपको कमेंट कर देना है और विनर को मिलेगा एक स्मार्ट वॉच, सीधे बाय पोस्ट उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को हमको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो जाइए जल्दी से जाके कमेंट करिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो ये जो हमने टीम बना के रखा हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमने अपने टीम में सिलेक्ट किसे करा है। तो यहाँ पे बैथ मुनि को हमने सिलेक्ट करा है। आप चाहे तो बैथ मुनि को ड्रॉप करके किसी और के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैथ मुनि के साथ आप जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपको स्कोर करके अच्छा देंगे। और यहाँ पे एल उलवर्धत, डी हेमलता और पी लिचफील्ड को हमने यहाँ पे बैटर में सिलेक्ट करा है, विकेट कीपर में बैट मुने। और यहाँ पे ऑलराउंडर की बात कर तो जी हैरिस, सी आटापट्टू, दीप्ति शर्मा और ए गार्डनर को हमने सिलेक्ट करा है। और बात करें बॉलर की तो एस इक्लेस्टोन, राजेश्वरी गायकवाड़ और टी कानवर को हमने सिलेक्ट करा है यहाँ पे बॉलर में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन, जैसे आपको यहाँ पे हमेशा आपको देते हैं, जैसे कि कल भी दिए हुए थे ऋषभ घोष को और जे रॉड्रिगस को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो सबसे पहले बैथ मुने और यहाँ पे उलवर्धत को हम बना लेंगे, ये हमारे फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। सेकंड टीम का जो है उलवर्धत और यहाँ पे डी अमृता को बना लेंगे, ये हमारे सेकंड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पी लिचफील्ड, तो बैथ मुने और पी लिचफील्ड के साथ भी जा सकते हैं, ये हमारे थर्ड टीम का जो है कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे उलवर्धत जो है, उलवर्धत और ग्रेस हैरिस के साथ जाएंगे, तो ये हमारे फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दीप्ति शर्मा और डी हेमलता, ठीक है। तो इनको जो है फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है। और एक जो है आपको यहाँ पे, और एक आपको यहाँ पे एल उलवर्धत और यहाँ पे दीप्ति शर्मा को बना लेना है, जो कि आपके जो है 6 टीमों के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं 6 से ज़्यादा टीम अगर आप बनाते हैं, तो यहाँ पे सी आटापट्टू आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सी आटापट्टू और यहाँ पे आपको इक्लेस्टोन नज़र आ रहा है, सी आटापट्टू और इक्लेस्टोन को बना लेंगे, ये आपके 7th टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा को आप बना लेंगे, तो ये आपके 8th टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे, जो कि आपके सबसे बेस्ट है ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा। इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर ट्राई करें। अगर आप एक टीम भी बना रहे हैं तो भी आप ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा के साथ जा सकते हैं, और डी हेमलता और दीप्ति शर्मा के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।